बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। अभी हम मुतफरक मशक एक का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। देखें, लिखा हुआ है ए की पावर एल बटा ए की पावर एम का तीसरा जजर जरब ए की पावर एम बटा ए की पावर एन का तीसरा जजर जरब ए की पावर एन बटा ए की पावर एल का तीसरा जजर। बहुत ही आसान सवाल है और मुखसर भी है। देखें ज़रा गौर से, इस सवाल को ज़रा गौर से देखें। लिखा हुआ है ए की पावर एल और ए की पावर एम का तीसरा जजर। तो ये तीसरे जजर को पहले ताकतों की शक्ल में लिखें, ए की पावर एल बटा ए की पावर एम। देखें ये, या डायरेक्ट भी ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जजर लैदा लैदा कर लें, ऊपर ये तीसरा जजर और नीचे लैदा तीसरा जजर, तो या 1/3, जिस तरह भी आपका जी चाहे कर दें। तो ऐसा करते हैं 1/3 ही कर लें बेशक, क्योंकि आपने 1/3 पढ़ा हुआ है, पहले ताकतों में चेंज करना। तो अभी ये भी इसी तरह ए की पावर एम बटा ए की पावर एन, ये जिस तरीके से भी करेंगे वो सही सवाल होगा, सवाल गलत नहीं होगा। आप ये देखें ए की पावर एन बटा ए की पावर एल और ये 1/3, ये देखें तीन तीन जजर था, तीसरा तीसरा, तो हमने सबको क्या लिख दिया, ताकतों की शक्ल में लिख दिया 1/3। ये भी, ये देखें जरा गौर करें, सबको ताकतों में। अब ये 1/3 जो पावर है ना, ये इसका साथ लहदा लहदा कर दे और सवाल हल हो जाएगा। अब ये देखें जरा, ए की ताकत है एल, तो इसको जरब दे दिया 1/3 से, और नीचे भी ए की पावर एम है तो इसको भी जरब दे दिया 1/3 से जरब। ए की ताकत ऊपर देखें, ये रकम एम है तो इसको भी 1/3 से ये, और बटे में ए की ताकत एन है तो इसको भी 1/3 से जरब दे दिया जरब। इसी तरीके से यहाँ भी ए की ताकत एन है तो इसको भी 1/3 से जरब दे दिया, और बटे में ए की पावर एल है तो इसको भी 1/3 से, ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा गौर करें, अगर किसी सास की हूबहू पावर ऊपर और नीचे एक जैसी हो तो पूरे की पूरी रकम हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, ये ए की पावर एल जरबे 1/3 है, तो ये भी ए की पावर एल बटा 1/3 एल जरब 1/3 है। इसी तरह ए की पावर ये इसके साथ काट सकता है, ये इसके साथ, ये कट गया सारे के सारे, ऊपर देखे रह गया 1, बटे में भी रह गया 1, तो 1/1 ये बराबर होता है 1 के। दूसरा तरीका ये है कि इसको ऊपर जाके ये एक सास पर लिख दें, ए की पावर एल बटा 3, फिर ये जमा ये, फिर ये जमा, फिर ये नफी, ये नफी, फिर भी वो ए की पावर 0 आ जाएगा, फिर भी वो 1 ही आएगा। तो ये शॉर्ट सा तरीका है, ये बड़ा ही आसान है। लेकिन ठहरिए जरा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये मुतफरक मशक खत्म हो गई है। अल्लाह हाफिज़।